गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? अरे क्या बात है, कोई ऐसा मसला नहीं भाई। थोड़े से लेवल्स अगर ऊपर नीचे हैं, हम आ गए ना आपके लेवल्स को एक बैलेंस के ऊपर लेके। तो ओवर एनर्जेटिक भी नहीं होना ना भाई, ये ना आप इतनी एनर्जी के साथ दफ्तर में एंटर हो, आगे बॉस साहब जो है ऐसे डाउन बैठे हुए, ओए यार तू इतना खुश क्यों नजर आ रहा है, इधर आता है मैं तुझे ठीक करता हूँ। तो लेकिन एनर्जी और पॉजिटिविटी और आपका जो एनर्जी का ऑरा है ये भी इन्फेक्शस होता है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा एक हरबा है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपका बॉस जरा डाउन डाउन और उदास उदास रहता है, वजह भी नहीं बताता, आप सुबह सुबह जाएं एक हैप्पी फेस के साथ तीन चार लोग उनके कमरे में, कहें बॉस जी यू आर ग्रेट जी, अच्छे जफ्फी लाओ, और देखें बॉस का एनर्जी लेवल भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन एहतियात लाजिम है। आज के शो में हमारे जो मेन गेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, एक सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। बट आपको मैं जरूर बताऊंगा कि मैं और ट्रेनर काशिफ, डॉक्टर नौशीन, हम अक्सर हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर बात कर रहे होते हैं और ओबिसिटी, मोटापा, और हम अपने आप को स्लिम ट्रिम एनर्जेटिक आप कैसे रख सकते हैं। लेकिन मेरी मुलाकात अभी हाल ही में हुई डॉक्टर मोहम्मद सुहेब खान से। इन्होंने कहा कि जी मेरे पास तो मसले का एक और हल है। हमने कहा क्या? इन्होंने कहा कि मसले का हल मेरे पास ये है मोटापे का, कि हम आपके स्टमक को जाके ऐसे उसकी सर्जरी करते हैं कि आपका स्टमक का साइज ही छोटा हो जाता है। जब साइज छोटा होगा तो भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी तो खाएंगे कम तो मोटे कम होंगे। ये इतना आसान, जितनी आसानी से मैंने ये थेरेपी आपके सामने रखी इतनी है नहीं, लेकिन हमने सोचा कि डॉक्टर सुहेब को इन्वाइट करें ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे। आज वो हमारे साथ होंगे। बुनियादी तौर पर वो एक सर्जन है और सर्जरी में उनकी जो स्पेशलिटी है वो स्टमक और उससे रिलेटेड, उसमें कैंसर भी आ जाता है, मोटापे से रिलेटेड सर्जरी भी आ जाती है। तो स्टमक के स्पेशलाइज्ड सर्जन, आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्टमक की सर्जरी से क्या वाकई ये लॉन्गर लास्टिंग होता है, इसकी सस्टेनेबिलिटी कैसी होती है, इसके बाद क्या आप सब कुछ खा सकते हैं और जितना भी चाहें खा सकते हैं, क्या सीन है। पाकिस्तान में ये सर्जरी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, तो हमने सोचा कि इस हवाले से मुझसे बात की जाए। एंड ऑफ कोर्स मेरी क्लास फेलो मिनाहिल मौजूद होंगी आज हमारे साथ, वन ऑफ माय फेवरेट कॉलीग्स हियर एट ब्रेकफास्ट एट होम। और मिनाहिल आज हमें बताने जा रही हैं जनाब के बच्चों की भी बैलेंस डाइट होती है। बच्चों की बैलेंस डाइट? मिनाहिल व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? बैलेंस डाइट तो हमारे जैसी उम्र में जाके होता है। अच्छा जी, ये खाएं ये ना खाएं, बैलेंस डाइट रखें ताकि हेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन मिनाहिल ने कहा नहीं तौसीक अंकल, बच्चों की भी डाइट को बैलेंस्ड होना जरूरी है ताकि शुरू से ही उनको हेल्दी ईटिंग की, बैलेंस्ड डाइट की आदत पड़े। तो मिनाहिल आज हमें बताने जा रही है कि बच्चों की बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। ये सब है आज के ब्रेकफास्ट एट होम में मेरे पास और मेरी टीम के पास आपके लिए। बट ऑफ कोर्स वी हैव टू स्टार्ट विद फुल एनर्जी। वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। मैं ओवर एनर्जेटिक तो नहीं लग रहा, आपने भी मेंशन किया। नहीं, तुम ओवर एनर्जेटिक बिल्कुल नहीं लग रहे, लेकिन तुमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन पहना हुआ है जो कि बड़ा रिस्की होता है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। चारकोल ग्रे और स्काई ब्लू। तो सिख भाई, आज का जो हमारा वर्कआउट है वो बैक का वर्कआउट है। बैक का वर्कआउट में हम यूज करेंगे डंबल्स को यूज करेंगे और रेजिस्टेंस बैंड्स को यूज करेंगे। ठीक है। इसकी स्ट्रेटेजी जो है उसके बारे में आखिर में बताऊंगा, थोड़ा सा इंटेंस है, लेकिन आप अपनी सेहत तबीयत के मुताबिक इसको आसान सहल बना सकते हैं। मुझे इसमें तौसीक भाई की मदद दरकार होगी, क्योंकि यूजली जो ये वर्कआउट होता है ये पुलिस की मदद से हम लोग जिम में कर रहे होते हैं, लेकिन अगेन पार्टनर या किसी कॉर्नर पे आप हैंग करके रेजिस्टेंस बैंड्स को, तो हम इस एक्सरसाइज को या वर्कआउट को कर सकते हैं। तौसीक भाई, इसको आपने मिड से पकड़ना है। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसको हाई एंगल में आपने रखना है ऐसे। ये लीजिए जी, हाई एंगल हो गया। और आपने इस तरीके से बैठ के आप देखिएगा कि मेरे जो हाथों की प्लेसमेंट है वो रोटेट कर ली मैंने। अगर आप क्लोजअप दिखाएं, यू रोटेट करके चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट, यू बिल्कुल चेस्ट के करीब लेके आना है। अब देखिए तौसीक भाई ने जो एंगल है वो स्ट्रेट रखा हुआ है, तो इसमें जो मेरा मिड रीजन है बैक का वो ट्रेन होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा लोअर लैट्स ट्रेन हो दिस पार्ट, तो आपका एंगल जिस पार्टनर ने पकड़ा हुआ है वो हाई होना चाहिए। तो इसमें दो वेरिएशंस आ जाएंगी आपकी। फर्स्ट वेरिएशन जो है, बिल्कुल लेवल पे है, जिसमें आपका सिर्फ साइड जो है जिससे आपकी वी विड्थ खुलती है। तो याद रखिएगा अगर आप ये ऐसे करें, लेकिन हाथों की प्लेसमेंट इज द की, ये नहीं है, ये नहीं करना। इसमें आपके इंटरनल लैट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर आपकी ग्रिप प्लेसमेंट ये होगी, आपकी ग्रिप प्लेसमेंट ये चाहिए जिसमें आउटर लैट्स हमारे इन्वॉल्व होंगे।
इंटरनल लैट्स हमने ये हो गया और वही करते करते अगर मैं इसको ऊपर करूंगा जी, अगर आपने 20 रेपिटेशंस करने हैं स्ट्रेट के, उसके बाद आपने हायर एंगल करना है और आपने अगेन इसमें आपके आपके लोअर लैट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। और अगर मैं करते रहिए जी, और अगर मैं यहां से इसको छोड़ दूं तो क्या होगा? लग जाएगी मुझे। अच्छा, तो उसको क्या कहेंगे? बदला। बदला, और कौन सा बदला? अदले का बदला, अदले का बदला। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव है हमारी एंगल। आप जिस तरह से ड्रॉप नीचे की तरफ कर सकते हैं, मिड पे कर सकते हैं, हाई पे कर सकते हैं, यहाँ पे तो सिख भाई ने मिड में रखा हुआ है, तो इसको आप यूज करते हुए आपने ये हैंडल आपका स्ट्रेट होगा, ये आपका डायगनल होगा। देखिए मेरा जो मुट्ठी है ना वो ऐसे है ना ऐसे है, थोड़ा सा डायगनल है। अब आपने आउटवर्ड्स जाना है इसको, और आप कोशिश करें कि आप रोटेट नहीं होंगे, आपकी बैक स्ट्रेट होगी, ऑल द वे स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्शन करना है, और यहाँ से बाजू सीधी रहेगी ताकि फिटीग आपकी जो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन रहे आपके बैक मसल पे। इसी तरीके से इसको यूं सीधा किया, इसको रोटेट किया, आपकी जो इंटरनल बैक का एरिया है जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और बज़ाहिर ये एक इलास्टिक का बैंड है जिसको रेजिस्टेंस बैंड कहते हैं। अब आपको लग ही रहा है बज़ाहिर कि मैंने बस को यहाँ से पकड़ा हुआ है, असल काम तो काशिफ कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टनर का भी मतलब मैंने इसको सिर्फ पकड़ा हुआ है साथियों, लेकिन मेरी स्पूज पूरे फ्रंट फोर आर्म और अपर आर्म का कंप्लीट मुझे फील हो रहा है कि मेरा वर्कआउट हुआ है। Exactly. हालांकि खींच इसको अपनी जानब ट्रेनर काशिफ रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं रेजिस्ट कर रहा था इसी वजह से इसको रेजिस्टेंस बैंड कहा जाता है। उस पूरी पावर को जो खींच उस तरफ रही है, लेकिन उसको मैं रोक रहा हूं तो मेरे पूरे आर्म के मसल्स और अपर शोल्डर इन्वॉल्व है। यही रखिएगा तौसीक भाई, अगर ये जो प्लेसिंग है इसको आप कहीं पे हैंग भी कर सकते हैं, हैंग करने के अलावा अगर पार्टनर है, तौसीक भाई की ग्रिप प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। देखिए 90 डिग्री एंगल बना रहा है जिसकी वजह से इनका प्रॉपर इनको दर्द नहीं हो रहा, इतनी जल्दी थक नहीं रहे हैं। अगर थोड़ी सी नीचे होगी तो आपका थोड़ा सा यू नो एंगल फॉर्म चेंज हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे पेन महसूस होगी। ये बिल्कुल जबरदस्त पोजीशनिंग है तौसीक भाई की, क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं, इनको पता है। तौसीक भाई स्विच कर लीजिए यहाँ पे, अब आप स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे जी। आप बैठिए प्लीज। आपने कहा आप स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे, तो हम तो ट्रेनर काशिफ का हुक्म हो तो उठक बैठक करने को तैयार होते हैं। मैं आपने देखा कि मैं नीचे पहले बैठा हुआ था, तो अब मैं खड़ा होगा। अब आपने क्या करना है मुझे दिखाइएगा, आर्म स्ट्रेट और आपने लैट पुल डाउन करना है ऑल द वे, बैक स्ट्रेट। इसमें आपका जो एंगल है वो मिड में चाहिए। आपने बिल्कुल एक जगह पे उसको स्टिफ रखना है ताकि वो जो डिजायर्ड मसल्स है वो इन्वॉल्व हो। बिल्कुल ठीक है तौसीक भाई, इसको आप ब्रेक देंगे, थोड़ा सा रखिए अपने पास। आपने हर मूव के 25 रेपिटेशंस करने हैं और आपने 4 सेट्स करने हैं। नेक्स्ट हमारी मूव है साथियों, टी बार होता है एक जिम में जो हैंग हुआ होता है, उसकी प्लेसमेंट होती है। अगर नहीं है आप जिम में नहीं हैं, आप आउटडोर हैं, बाहर हैं, तो आपने क्या करना है, एक हैवी वेट लेना है आपने, और इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ आपको। 90 डिग्री एंगल, बैक स्ट्रेट, वेट को आपने ऐसे, ग्रिप प्लेसमेंट इज द की, आपकी वेट को ऐसे ग्रिप करना है ठीक है, और बैक स्ट्रेट रखनी है आपने अराउंड 45, 65, 55, 75, कोई भी एंगल हो आपका, स्क्वीज ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, बैक स्ट्रेट। एक्सरसाइज है, इसका नाम क्या है काशिफ? बारबेल रोज। बारबेल रोज, टी बार रोज कहते हैं बेसिकली, उसका जो बारबेल होता है, लेकिन हम डंबल से करें तो डंबल रोज कह देंगे इसको। डबल हैंड ग्रिप प्लेसमेंट, बहुत अरसा हो गया ये एक्सरसाइज नहीं की, मुझे देख के दिल कर रहा है, तो याद रखना आज रात को जिम में ये एक्सरसाइज। बिल्कुल ठीक है तौसीक भाई, एक मतलब और किया, 25 रेपिटेशंस हर मूव के, आपने साथ साथ पानी पीते रहना है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है जिसमें हमने वेट लाइट कर दिया, और आपने स्टैंडिंग पोजीशन में यहाँ से आएंगे, और आपने चेस्ट फोकस नहीं करना, प्राइमरी मसल चेस्ट को नहीं बनाना ठीक है। आपने यहाँ से शुरू करेंगे, आपकी बैक रोटेट नहीं होनी चाहिए ठीक है, अगेंस्ट जाना, अगेंस्ट द सेकेंड आर्म, इस बाजू के करीब मैक्सिमम squeeze, contraction, all the way, full range of motion, सांस साथ साथ लेते रहनी है, और इसको आगे आने, आगे की जानिब आना है, full range use करनी है, इसी तरीके से all the way against, very good position। आपने देखा होगा कि काशिफ कुछ exercises हैं जो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जी, और कुछ हैं जो थोड़ा सा bend हो गए। बिल्कुल आपकी बॉडी की पोजीशन अगर यूं है या यूं है,
इससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि आप कौन सा मसल ट्रेन हो रहा है, मसल रिक्रूट जी। तो उस मसल का टूटना और जुड़ना डिपेंड करता है कि आप यहाँ खड़े हैं या यहाँ खड़े हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत। एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएशंस तो होती ही हैं, लेकिन आपका एंगल इज द की। अगर एंगल की सारी गेम हो तो सही भाई, लास्ट मूव करते हैं उसके बाद हमारा वर्कआउट खत्म होगा। अच्छा जी, इसमें आपने क्या करना है, आपने इसको ऐसे पकड़ा, और तोसी भाई मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाइए जी, माजरत के साथ प्लीज। बिल्कुल अच्छा, आपने हाई एंगल रखना है तोसी भाई, हाई एंगल, हाई एंगल। ये आपने ऑपोजिट हैंड प्लेसमेंट की, और अब आपकी जो आर्म प्लेसमेंट है 90 डिग्री एंगल ऑपोजिट कोनी उस तरफ होगी, और आपने स्क्वीज करना है ऑल द वे, स्क्वीज कॉन्ट्रैक्शन लैट्स। अब इसमें आपका इंटायर रीजन इन्वॉल्व हो गया, शुरू में आपने अपर लोअर मिड इनर लैट इन्वॉल्व की, इसमें आप फील करेंगे आपका इंटायर रीजन लैट्स का इन्वॉल्व है। 25 रेपिटेशंस एक साइड पे और 25 रेपिटेशंस दूसरी साइड पे। थैंक यू वेरी मच तोसिक भाई, बहुत शुक्रिया, आज का हमारा वर्कआउट डन। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा वर्कआउट था। लेकिन आपने भी जिक्र किया ना कि तोसिक भाई भी जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी मुझे बता रहे हैं कि कोई मैसेज आया हमारे फेसबुक पे, वो कह रहे हैं कि काशिफ भाई तोसिक भाई की वीडियो बना के दिखाएं जब मैं जिम में होता हूँ। ओके, वैसे ऐसी बहुत सारी वीडियोस काशिफ ने संभाल के रखी हुई है, ऐसे मेरा ख्याल है किस दिन दिखा देना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि आप वैसे नहीं कहते, मैं बाकी जिम में काफी एक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग दिखा भी देंगे, वैसे हमने एक दफा चलाई भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, एक दफा चलाई थी, लेकिन मेरा ख्याल है मे बी दिस इज अबाउट टाइम के ताकि लोगों को पता चले कि ये सिर्फ तोसिक भाई बैठ के बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, वो जिम जाते हैं ताकि लोगों को ये पता चले, लोगों को लगे सिर्फ बातों के नहीं खाते, ये एक्चुअली करते भी। Adrian Kashyap, thank you very much. Have a great day. हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मेरी क्लास फेलो मिन्नाहिल हमारे साथ मौजूद है, और वो बताने जा रही हैं कि बच्चों का हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, और उसके लिए एक बैलेंस्ड डाइट क्या उसका किरदार होता है। सो आज बैलेंस्ड डाइट पे बात होगी बच्चों के, मिन्नाहिल के साथ, रहिए हमारे साथ, अभी मिलते हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे खुशामदीद, पीटीवी ग्लोबल यूएस, पीटीवी ग्लोबल यूके, पीटीवी न्यूज, पीटीवी होम ऑनलाइन, जहां जहां भी इस वक्त आप हमें देख रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि सब बच्चे बड़े तैयार हो जाएं कि इसलिए डॉक्टर मिन्नाहिल हमारे साथ आ गई हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, क्या हाल है डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल ठीक भाई, आज तो फुल डॉक्टर मोड ऑन है मिन्नाहिल का, और आज क्या है जी टॉपिक? बैलेंस डाइट फॉर किड्स। ये क्या चक्कर है, बच्चों को तो सब कुछ खाना चाहिए यार। नहीं नहीं, अगर देखें, अगर हम उनके लिए एक बैलेंस डाइट, अगर पेरेंट्स उनके लिए एक बैलेंस डाइट नहीं बनाते तो फिर वो जंक फूड खाएंगे, और फिर वो नहीं, उनकी बॉडी सही से ग्रो नहीं कर पाएगी फिर तो, और इसी वजह से आज मैं एक बैलेंस डाइट की एक रूटीन लाई। बिल्कुल ठीक, और जो आप बात करिए उसमें फिर नुकसान ये होता है कि बच्चों में भी ओबेसिटी आ जाती है, यानी बच्चों का जो मोटापा है वो भी बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में भी बनता जा रहा है, इसलिए कि हमारा लाइफस्टाइल हो गया बस टीवी के आगे बैठे हुए, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, फोन पकड़ा हुआ है, और खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और जंक फूड खा रहे हैं। तो हमें आज मिन्नाहिल बताएंगी कि बैलेंस डाइट बच्चों की क्या होती है। ठीक है जी, तो एक बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें जो तमाम जो आपका खुराक होता है उसमें बहुत ज़्यादा गज़ाइत मौजूद हो, ऐसी खुराक जिसमें तमाम गज़ाइत मौजूद है, एक मुतवाजन ग़ज़ा कहलाती है, यानी कि एक बैलेंस डाइट। तो उसमें जो मेन जो फूड ग्रुप्स हैं वो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में फिर आपके पास प्रोटीन्स आते हैं, आपके पास मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स, ऑयल्स, और वाटर भी आता है आपके पास, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर देखें आप खाने के बगैर रह सकते हैं, आप पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं, इसी वजह से हमें दिन में 8-12 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए। अच्छा जी, साथ साथ कुछ स्लाइड्स भी हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। पहली स्लाइड पे ये है जी फूड पिरामिड है हमारा, सबसे ऊपर हमारे पास, सबसे नीचे हमारे पास हमारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं जो कि हमें खानी चाहिए, उसके बाद आप ब्रेड देखें,
जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, उससे ऊपर मीट प्रोटीन प्रोटीन्स मिलते हैं, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि चीज योगर्ट, उससे हमें फैट्स मिलते हैं, और उससे सबसे ऊपर ऑयल है। ऑयल भी तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, लेकिन हेल्दी वाला, जैसे कि सनफ्लावर वाला या सेसमी या ऑलिव ऑयल, लेकिन हेल्दी ऑयल्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये है फूड पिरामिड, इसको फॉलो करना चाहिए, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर, बच्चों आप ये देखेंगे जो चीजें जा रही हैं उसमें इन सब चीजों का होना जरूरी है। ये नहीं कि अब आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो आप कह रहे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो बड़ी जबरदस्त चीज होती है, इसमें विटामिन्स मिलते हैं, लेकिन आप प्रोटीन्स नहीं ले रहे या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले। तो पिरामिड का, मिनाहिल का दिखाने का मकसद ये था कि इसके जो पांचों स्टेजेस है, हर चीज में से आपकी बॉडी में कुछ थोड़े थोड़े प्रोपोर्शंस लेने चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है? ये देखें कार्बोहाइड्रेट्स, आप कार्बोहाइड्रेट्स में आप अब में अगर आप ब्रेड खा सकते हैं, आप पोटैटो खा सकते हैं ग्रिल्ड या मैश्ड। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे, पोटैटो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन ट्रेनर काशिफ को नहीं बताना, वो उसको पता लग गया ना कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा हूं, फिर वो जिम में वो ऐसी खिंचाई करेगा मेरी। अभी ये कि मीट में प्रोटीन्स, फिर मीट में आप पोल्ट्री, बीफ, मटन, फिश, तो आप एग्स भी होते हैं प्रोटीन में, एग्स तो डेयरी भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और दालें जो हैं वो भी प्रोटीन का एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स होती है, बीन्स भी। और ये देखिए सिट्रस फूड्स जो होते हैं जैसे कि टोमेटो, लेमन, ऑरेंज, वो हमें बहुत आयरन देते हैं। क्या आयरन? ठीक है। और ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे विटामिंस, मिनरल्स, फाइबर, सलाद पत्ता है, गाजरें हैं, लेमन, मतलब आपको लेमन, मतलब फ्रूट और वेजिटेबल्स जब अम्मी आपके सामने या घर में कोई आपके सामने रखे तो आपने ये नहीं कहना कि मुझे नहीं पसंद, मैं तो बहुत शौक से खाती हूं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। और शौक, मैं ये कह रहा हूँ साथियों को कि कई दफा आपको चीज आपकी लाइक्स डिसलाइक्स होती है, आपको मिसाल के तौर पर पसंद नहीं होती, लेकिन आपको पसंद नहीं है लेकिन बॉडी को खाना तो है ना, बॉडी को चाहिए भाई, बॉडी को तो स्ट्रांग बनाना है, एग्जैक्टली बीमार तो नहीं होना ना, एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा जरा अपने ऊपर वो जिसे कहते हैं ना जबर करके खाना चाहिए, और जंक फूड भी बहुत आपको कम खाना चाहिए, मतलब इतना वो जो कुछ बच्चे होते हैं कि वो खाना नहीं खाते, मतलब अगर आपके पास हेल्दी जो चीजें होती हैं तो ये जो फूड पिरामिड भी मैंने दिखाया है, जो चीजें वो नहीं खाते वो सारा दिन दिन जंक फूड्स खाते हैं, चिप्स, जूस, बिस्किट और इस तरह की चीजें, नकली से। और आपस की बात है, ये जो बर्गर टाइप चीजें होती है ना हर वक्त, बर्गर्स, ये भी ठीक नहीं होता है ना। कोई भी चीज की हम वैसे भी कहते हैं ना कि एतदाल में रहना चाहिए। एतदाल का मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड। सो आपको हर चीज में बैलेंस रखने की जरूरत है एतदाल के साथ। जी अगली स्लाइड क्या है? ये डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे मिल्क भी बहुत जरूरी है, मिल्क से हमें, डेयरी प्रोडक्ट्स जो सारे होते हैं उनसे हमें कैल्शियम मिलता है, स्पेशली मिल्क। मिल्क में चीज आप खा सकते हैं, योगर्ट भी बच्चों को पसंद होता है, हमें मिलते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए वो भी बहुत जरूरी होते हैं। फैट्स तो वैसे नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड अलग से भी तुम लाइयो। ये ऑयल, अब देखें आप एवोकाडो खा सकते हैं, आप ऑयल्स ले सकते हैं, आप ये जो डिफरेंट ऑयल सीड्स होते हैं वो ले सकते हैं। बिल्कुल 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 यार, ये जो तुम पिक्चर्स लेके आई हो ना मिनाहिल, मेरी एपेटाइट जाग गई है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं सब कुछ खाऊं। अब ये आप अगर देखिए, मैं अपने लिए एक प्लेटर बनाती हूँ, तो आपका एक हेल्दी प्लेटर कौन सा होता है जिसमें आपकी थोड़ी थोड़ी करके सारी प्रोपोर्शंस हो, सारे फूड ग्रुप से चीजें हो। अब आप पोटैटोज है ग्रिल्ड हुए, फिर यहाँ पे टोमेटोज है, और वहाँ पे कोई वेजिटेबल है, और यहाँ पे मीट है, मीट के ऊपर आप चीज है, डेयरी है, तो इस थोड़े थोड़े करके सब कुछ आ गया है आपके प्लेटर में। अगर मैं अपनी वैसे बच्चे अलग से भी अपने लिए कोई प्लेटर बना सकते हैं कि अगर आपको एक प्लेट अगर हमारे पास है तो उसमें अगर आपको एक अपनी बैलेंस डाइट रखनी है तो आप वो भी बना सकते हैं खुद से भी, मगर हेल्दी हो। एग्जैक्टली और खुद से आप अपने पेरेंट्स को ये बता भी सकते हैं कि मैंने ये सोचा है कि आज मैंने ये और फिर उनके साथ मिलके, मुझे याद है जब मैं 13-14 ईयर्स का हुआ तो मेरी अम्मी ने मुझे कुकिंग सिखाई, तो मेरी अम्मी ने हम भाइयों को भी सारे काम कराती थी, झाड़ू पोछा, टाकी लगाना, बाथरूम्स धोना, किचन साफ करना, जानवरों का ख्याल रखना, पूरे घर के काम जो यूजुअली बहनों को सिखाए जाते हमारी अम्मी ने हम सब भाइयों को सिखाए। तो
उसमें जब हमारा कुकिंग की क्लास होती थी तो फिर अम्मी हमसे पूछती थी कि क्या खाना है, तो मैं उन्हें बताता था कि आज मैंने ये चीज़ खानी है, फिर मैं उनके साथ मिलकर उसकी कुकिंग करता था। तो आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक है कि बच्चे खुद से डिजाइन करें जी। खुद से बताएं कि आज मैंने ये खाना है, लेकिन फिर अम्मी की हेल्प भी करें उसको पकाने में। अगर आपको कुछ हेल्दी पसंद है, अगर आप हेल्दी कुछ भी पसंद है तो आप खुद से वो करके खा सकते हैं, थोड़े थोड़े करके सब न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, दो स्लाइड्स और भी है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब ये है कि आप अभी देखिए, जब आप ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कैसे मिल सकते हैं ब्रेकफास्ट में? आप पराठा खा लें, आप पोटैटो खा लें, ठीक है, आप आपको ये नहीं खाना तो सीरियल खा लें, ओट्स खा लें, ब्रेड भी ले सकते हैं, ब्रेड भी ग्रेन्स ही होते हैं। फिर प्रोटीन, फिर लंच पे आते हैं, आप प्रोटीन्स ले लें, प्रोटीन्स में आपको पास मीट ले सकते हैं, मीट नहीं तो फिर आप बीन्स ले सकते हैं, कोई दाल खा सकते हैं, बिल्कुल। और फिर लंच पे आप कोई हल्का फुल्का सा कोई वेजिटेबल या फ्रूट ले लें। और फिर डिनर में अगर आप आते हैं तो अगर आपने वहाँ से मीट नहीं खाया तो आप मीट यहाँ पे खा लें, आप रोटी खा लें दोबारा से कार्बोहाइड्रेट्स, आप अपने सालन में थोड़ा सा ऑयल डालें ताकि आपको फैट्स की भी तो थोड़ी ज़रूरत है। एग्जैक्टली। ये नहीं, मिनाइल आपने बड़ी सही बात की कि पूरे दिन में जी। हमने कॉन्शियस ये होना है कि सब इंग्रेडिएंट्स वो फूड पिरामिड के हमारी बॉडी में जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं ना। एग्जैक्टली। ये नहीं कि अब मुझे तो जी फ्रूट पसंद है तो फ्रूट बड़ी अच्छी चीज होती है तो मैं नाश्ते में भी फ्रूट खाऊंगा, दोपहर को खाने में भी, रात में, फिर अगले दिन फ्रूट, तो फिर बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट बॉडी की। जी दोबारा मैं रिपीट करूंगी कि थोड़ा थोड़ा करके आप सबको लें, सबको ट्राई करें कि एक दिन में आप सबको कंज्यूम कर लें। एग्जैक्टली। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि आप अगर नहीं खाओगे तो क्या होगा? नहीं खाओगे तो फिर आपकी स्टंटेड हाइट रह जाएगी, आप और अभी तो और आप वीक बढ़ जाओगे, आप जल्दी से इल हो जाओगे। एग्जैक्टली। यहाँ पे भी वही आपको दिखा रहे हैं कि वही जो आपकी प्लेट होती है तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा ये चार अगर आप फूड ग्रुप्स नहीं लेंगे तो क्या होगा? और आजकल तो गवर्नमेंट भी हर जगह आपको अवॉइड कर रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा जितना बच्चे ज्यादा से ज्यादा जितना आप न्यूट्रिएंट्स खा सकते हैं, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट सब कुछ, तो वो आप लें। वैसे प्रोटीन की एक सबसे बड़ी जो एडवांटेज है ना वो है कि वो आपकी बॉडी सेल्स को रिपेयर कर देता है। एग्जैक्टली। और बच्चे खासतौर पर, क्योंकि आज आप प्योरली बात बैलेंस डाइट की कर रही हैं, बच्चों में जिनकी ग्रोइंग एज होती है, उनकी हाइट भी ग्रो कर रही है, मसल्स ग्रो कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि आप कह रही हैं कि एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशनस डाइट। और यहाँ पे आपने स्टंटिंग का जिक्र किया तो मैं चाहूंगा कि वो लोग जिनको स्टंटिंग के बारे में नहीं पता उनको बताते चलें कि मिनाहिल ये कह रही हैं कि फिर एवरेज आपके जीन्स के अंदर भी जितनी हाइट होनी होती है उतनी नहीं होती। क्यों? एज अ चाइल्ड आप अपने बच्चे को एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट नहीं दे रहे होते, या बच्चों की बातों में आ जाते हैं, नहीं मैंने नहीं खाना, मैंने, और आप कहते हैं अच्छा भी तो चिप्स खा रहा है बैठा हुआ और जूस पी रहा है, खा तो रहा है ना, बॉडी में चिप्स जा रहे हैं, आलू जा रहे हैं, लेकिन वो जो खा भी रहा है वो भी जाया ही हो जाता है, गंदा है, वेस्ट है। एग्जैक्टली। इसलिए एक बैलेंस डाइट दें ताकि उनकी हाइट उस पूरी ग्रोथ तक पहुंच पाए। अक्सर ट्रेनर काशिप से भी सवाल किया जा रहा होता है कि हाँ जी मेरी उम्र अब 17 साल है, अब मैं क्या करूं, मेरी हाइट को कैसे बढ़ाऊं? तो ये जो हाइट का स्टंटिंग का मामला है ये आपकी लाइफ के पहले 5-7 साल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर कि बच्चों आप खुद भी कॉन्शियस हो इस चीज के, जैसे कि फूड पिरामिड का कॉन्सेप्ट आज हमने आपको दिया, उस कॉन्सेप्ट के तहत क्या क्या चीजें हमारे अंदर जानी है, पानी 8 to 12 glasses of water, हर बच्चे ने पीने हैं 8 to 10 glasses of water, फिर हमें proteins, carbohydrates, fats, minerals, vitamins, fiber, ये सब चीजें थोड़ी खानी है। भाई डॉक्टर साहिबा, मैं तो आपसे इंप्रेस हो गया, आपका क्या इरादा है फ्यूचर में, डॉक्टर या कुछ और? नहीं, एयरफोर्स। हाँ मुझे याद है, एक दिन पहले भी हमने इस पे बात की थी, एयरफोर्स में जाना है मिनाहिल ने। और एयरफोर्स में कौन सी वाली एयरफोर्स में? सब लोग जहाज तो नहीं उड़ाते ना, कोई इंजीनियरिंग साइड पे होते हैं, कोई बैठ के रडार का एक्सपर्ट होता है, उसका काम बड़ा जबरदस्त होता है। वैसे तो आपने किस फील्ड में जाना है अभी? वैसे ये तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन जो भी मैं अपने मेरे मामा पापा में जो भी उनसे डिस्कस करूंगी। एग्जैक्टली। लेकिन जाना पाकिस्तान एयरफोर्स में? वेरी गुड। वैसे जो मेरे बाबा जिस फील्ड में, मैं तो ज्यादा से उस फील्ड में जाना चाहती हूँ। वो क्या फील्ड है? लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स, इंटरेस्टिंग। लॉजिस्टिक्स को हैंडल करना आसान काम नहीं है, पता है?
हाँ, ना सुबह होती है ना शाम होती है। कुछ भी नहीं होता, मैं कर लूंगी। अच्छा, वेरी गुड, दैट शुड बी द स्पिरिट। थैंक यू वेरी मच मिनाहिल, गुड लक टू यू। बहुत आज इंफॉर्मेटिव सेशन था, हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद सुहेब खान हमारे साथ हैं और आज बात ही सारी ओबेसिटी और हेल्दी लाइफस्टाइल और इसकी हो रही है। लेकिन डॉक्टर सुहेब एक्सपर्ट हैं, जैसा कि मैं प्रोग्राम के आगाज में आपको बता रहा था, मैदे की सर्जरी के, जिसके अंदर कैंसर और दूसरी बीमारियां भी आ जाती हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल निकला है ओबेसिटी, यानी बेतहाशा मोटापे के इलाज के तौर पर कि स्टमक को टक किया जाता है, यानी मैदे की सर्जरी इस तरह से की जाती है कि उसके बाद आपको भूख ही ज़्यादा नहीं लगती और आपका वजन कम होता है। इज दिस हेल्दी, इज दिस एडवाइजेबल, क्या ये हर एक के लिए लागू है, इस पर क्या एहतियाती तदाबीर हमने ज़हन में रखनी, इस हवाले से डॉक्टर सुहेब से बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। रही मेरे साथ। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आपको कहेंगे एक बार फिर हम खुश आमदीद। आजकल जाहिर है कि हम कुछ अर्से पहले भी बात कर रहे थे कि आजकल सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है वो है मेडिकल टेक्नोलॉजी, यानी मेडिकल साइंस ने पिछले 15-20 बरस में कितना तेज़ी से इनोवेशन का सफ़र तय किया है कि हमें हर कुछ महीने के बाद कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा होता है। कोई किसी भी डिज़ीज़ के हवाले से कोई पेशरफ्त हो रही है, अब ये हो गया, अब ये इलाज आ गया। बिल्कुल इसी तरह से मोटापे के हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है कि स्टमक को टक किया जाए या स्टमक की सर्जरी की जाए। कुछ अर्से पहले तो हमने सिर्फ सुनी सुनाई थी, अब हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ होने लग गई है। बहुत से लोग इसके बारे में बहुत एप्रिहेंसिव भी हैं, वो कहते हैं कि नहीं, सर्जरी का रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं है, वो दोबारा से मसला हो जाता है। It is a health, it is a life hazard also. लेकिन साथ ही साथ बहुत से लोग इसको करवा भी रहे हैं। हमने सोचा, जो कि हमेशा हम सोचते हैं ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे, कि आपको इसके बारे में हम ब्रीफ करें, बताएं कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो इस हवाले से डॉक्टर मोहम्मद सुहेब खान हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब सर्जन हैं, क्या है जी, आई जी जी आई? मैं जी अपर जीआई सर्जन हूं। जिसमें अपर जीआई सर्जन, बड़ा मुश्किल सा नाम, इसका मतलब क्या होता है? इसमें एसोफेगस और स्टमक के जो सर्जरीज होती हैं, जिसमें इनके कैंसर्स की सर्जरीज भी होती हैं, और बीनाइन डिजीजेस जिसमें यानी स्टमक को कम करना, मोटापे की बीमारियों का इलाज, ये सारा जो है ये इसमें शामिल है, यानी खाने की नाली और स्टमक की सर्जरी। बिल्कुल। आज हम जरा बात खास तौर पे इस हवाले से करना चाहेंगे कि स्टमक की सर्जरी से कैसे आप अपनी एपेटाइट को कंट्रोल करते हैं, या आपका इसके जरा कुछ हमें प्रोज एंड कॉन्स बताइए। एक्चुअली होता क्या है, जाके ऐसे बांध देते हैं स्टमक को अंदर, या उसका कोई हिस्सा निकाल देते हैं? इसके डिफरेंट वेज हैं, लेकिन अब जो एस्टेब्लिश्ड वेज हैं उसमें ये हैं कि दो तरीके से इस फील्ड को बैरियट्रिक सर्जरी भी कहते हैं, वेट लॉस सर्जरी को। इसमें दो तरह से स्टमक को मैनिपुलेट किया जाता है। एक में ये है कि स्टमक का साइज कम किया जाता है, उसको हम रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी कहते हैं, कि यानी फूड इनटेक को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, स्टमक का साइज रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी अगर इतना बड़ा स्टमक था तो उसको हमने छोटा कर दिया। बिल्कुल। तो इतने में अगर जितने मिकदार चाहिए थी खुराक की, अब स्टमक की रिक्वायरमेंट ही कम, हमने अब एक बेबी स्टमक बना, एक बेबी स्टमक बना, ठीक है, एक तो ये तरीका। बिल्कुल। और दूसरा है जो कि बहुत ज्यादा ओबीज लोग होते हैं, जिनका हम एक फार्मूला यूज करते हैं, उसको बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो जिनका BMI 50 से ज़्यादा होता है, जो बहुत जाइंट ओबीज होते हैं, सुपर ओबीज होते हैं, उन और जिनको साथ डायबिटीज़ भी होती है, हाइपरटेंशन भी होती है, तो उन लोगों में फिर हम स्टमक का साइज़ भी छोटा करते हैं, और फिर जो इंटेस्टाइन का एक ख़ास पार्ट जो है उसको मेल बाईपास करते हैं। अच्छा। और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं मेल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी, ठीक है, यानी हम एब्जॉर्प्टिव सर्जरी, यानी हमने एब्जॉर्प्शन को भी थोड़ा सा मेल एब्जॉर्ब करना है, ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस मकदार में अब्सॉर्ब ना हो कि उससे उसका वेट बढ़े। अच्छा, अब ये बताइए कि ये कितनी देर का अमल होता है, यानी सर्जरी क्या प्रॉपर एनेस्थीसिया दे के फुल स्टमक को ओपन करके, इट्स अ फुल थ्रॉटल सर्जरी, राइट?
Yes, ये एक मेजर सर्जरी है, major surgery लेकिन अब पहले ये इसीलिए कामयाब सर्जरी नहीं थी क्योंकि ये पेट को ओपन करके तो की जाती होती थी। ये सर्जरीज तो 30-40 साल से चल रही हैं, okay. लेकिन क्योंकि एक हर मरीज में और स्पेशली एक मोटे मरीज में जब पूरा पेट खोल के सर्जरी की जाए तो ऑपरेशन के बाद उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते थे, लेकिन अब जो है अब हम इनको लेप्रोस्कोपिकली करते हैं। जिस तरह पित्ते का ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिकली किया जाता है, सेम उसी तरह से 4-5 स्मॉल होल्स बनाते हैं, अच्छा। और उसी से हम स्टोमिक को छोटा कर देते हैं और उसको प्रॉपर ऐसे काटने की जरूरत नहीं, नहीं काटने की जरूरत। अच्छा, अब इसके बाद लाइफस्टाइल में क्या चेंज आती है? क्या आप नॉर्मल खाएं पिएं, कुछ भी खाएं पिएं? या एक तो ये कि रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी का मकसद ये है कि वो आप सब कुछ ना खाएं, क्योंकि ये पेशेंट्स जो होते हैं ये या तो स्वीट लवर्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स जब जहाँ भी नज़र आए तो बस खाना शुरू कर देते हैं। रात में अगर आँख खुल गई या भूख से आँख खुल गई तो तब भी किचन में जाके तो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हर टाइम इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ठीक है, तो जो जब जो रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी जिसमें हम जस्ट स्लीव बनाते हैं, स्टोमिक का बनाना शेप स्टोमिक, छोटा स्टोमिक बनाते हैं, उसको हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मरीज हर 3-4 घंटे बाद मील लेता है, लेकिन वो छोटा पोर्शन लेता है और उसके बाद उसको फुलनेस हो, उसकी बिल्कुल एपिटाइट खत्म हो जाती है। ठीक, तो वो उस जब वो कम इनटेक लेगा तो जाहिर है फिर उसके वेट भी कम होगा। अच्छा, और ये लाइफ लॉन्ग फिर यही उसको इख्तियार करना है लाइफस्टाइल? बिल्कुल, लाइफ स्मॉलर पोर्शंस और छोटे पोर्शंस। जी, स्मॉलर पोर्शंस और फ्रीक्वेंट पोर्शंस, यानी खाना खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये पेशेंट जो होते हैं ये फिर इनको स्वीट से नफरत हो जाती है। जब कोई अक्सर पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि जी जब कोई खा भी रहा हो मीठा कुछ खा रहा हो तो हमें होता है कि ये क्यों खा रहे हैं, इनका दिमाग ख़राब है कि खा रहे हैं। ठीक, तो वो उनका लाइफस्टाइल यानी मजबूरन चेंज हो जाता है बस। ठीक, इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपने किस तरह के केसेस देखे हैं? मसलन कितने कितने किलो वजन कम हुआ आपने? जो और कितने अरसे के बाद काम होना शुरू हो जाता है, मतलब अगले महीने से ही फर्क पड़ जाता है? इस सर्जरी का, इस बेरियाट्रिक सर्जरी के जितने भी प्रोसीजर हैं इनका मकसद यही है कि एटलीस्ट 60% ऑफ एक्सेस वेट लॉस होना चाहिए फर्स्ट ईयर में। ठीक, अच्छा, 60% ऑफ एक्सेस वेट, यानी अब अगर फर्ज करें आपका वेट 70 kg आपको चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, ये आपका स्टैंडर्ड, और आपका है 120, तो इसका 60%, अब 50 kg एक्सेस है तो इसका 60% एटलीस्ट पहले साल में कम होना चाहिए। यानी पहले साल में 30 kg का, अगर वो इतना नहीं काम कर रहे तो फिर पेशेंट या तो कोई अपने लाइफस्टाइल में कोई उसका प्रॉब्लम आ रहा है या वो कोई स्वीट्स लेने की कोशिश करता है, क्योंकि बाज़ औकात ये पेशेंट ऐसे भी होते हैं क्योंकि वो बाकी मील तो इजीली नहीं स्वालो कर सकते तो वो आइसक्रीम और ये चीज़ें शुरू कर देते हैं। तो उसमें बाज़ औकात कुछ पेशेंट होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगली जो चीज़ फौरी तौर पे जहन में आती है और मेरा ख्याल है हमारे नाज़रीन के जहन में भी ये सवाल होगा कि क्या ऐसा होता है कि एक दफ़ा वेट लॉस होकर फिर दोबारा से शूट करके दोबारा ऊपर जाए, या ये फिर ज़िंदगी भर का सोल्यूशन? नहीं, रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनका भी हल है। अब यानी फ़र्ज़ करें हमने किसी में ये रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी पहले की और 5-6 इट वर्क्स फॉर 5-6 ईयर्स और उसके बाद फिर पेशेंट को वेट रीगेन होना शुरू हुआ, अच्छा, तो फिर उनमें हम जो बाईपास सर्जरीज होती हैं वो वाली फिर हम करते हैं। ऑलराइट, लेकिन ज्यादातर जनरली फिर वो लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। और उसकी फिर कोई खास मेडिकेशन भी है जो साथ-साथ लेनी है या नहीं? इट्स अ नॉर्मल सर्जरी। नहीं, कोई मेडिकेशन इसमें नहीं लेनी होती, जस्ट अगर कहीं उसको विटामिन की डिफिशिएंसी हो तो विटामिन हम रिप्लेस कर रहे होते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स हम उन्हें कहते हैं कि लें, बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो लेते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रेट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये आजकल हर तरफ ये बात हो रही है, तो हमने सोचा एक एक्सपर्ट को बुला के उनसे पूछा जाए बजाय इसके कि हम खुद से ही मशवरे देते रहेंगे करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। सो इसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं आपके सामने रखे जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे नहीं बताना कौन है गेस्ट, नहीं बताना, मैं बताने ही लगा था। रही मेरे साथ एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात एक इंटरेस्टिंग से गेस्ट से करवाते हैं, अभी मिलते हैं।
ہم مثال کے طور پہ کبھی کبھی بات کرتے ہیں نا کہ فلاں شخص نے مجھے بولنا سکھایا, فلاں شخص نے مجھے پاؤں پاؤں چلنا سکھایا, جب میں پاؤں پاؤں چلنے کی عمر میں آیا تو یہ ہوا تو وہ ہوا. اور عموماً یہ کام آپ کے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا ظاہر ہے, جس طرح عام ایک بچے کو ماں باپ پالتے ہیں. لیکن ایک شخصیت ایسی میری زندگی میں کہ جس نے ایکچولی میرے ماں باپ کے علاوہ ایکچولی ہاتھ پکڑ کر پاؤں پاؤں چلنا سکھایا, جس نے ایکچولی مجھے لفظ کہنا سکھایا. حرف کی حرمت تو بہت بعد میں انہی سے جا کے ہم نے سیکھی, لیکن ابتدائی زندگی کے دور میں کیا کہنا ہے, کیسے چلنا ہے, اٹھنا بیٹھنا, اور سب سے بڑھ کر اس شخصیت سے جو میں نے سیکھا وہ یہ کہ کیا نہیں کہنا ہے اور کب نہیں کہنا ہے. آئی ایم سو ویری آنرڈ اینڈ پلیزڈ, میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میری بہن تو ہیں ہی لیکن اس شعبے میں میری استاد قرۃ العین علی رضوی آج میری مہمان ہے. آداب. جیتے رہیں. اچھا وہ پاؤں پاؤں جو آپ مجھے چلنا سکھاتی تھیں اور جو بولنا, واز آئی اے ڈیفیکلٹ اسٹوڈنٹ؟ Yes, you were the difficult student. Achha. آپ بہت مشکل سے میں مات مانتا مشکل اسٹوڈنٹ تھے, اس لیے کہ شرارتی بہت تھے نا. آئے ہائے ہائے. اور باہر کی دنیا سے بڑا تعلق تھا, گھر میں بیٹھنا, چین سے ایک جگہ پہ بیٹھنا, پڑھنا بہت مشکل کام تھا. اور بلیوں کے پیچھے اور جانوروں کے پیچھے اور پرندوں کے پیچھے جنگلوں میں درختوں پہ چڑھ کے, تو وہ والی دنیا توصیف حیدر کی جو تھی اس کی وجہ سے بٹھانا اور سکھانا تو مجھے بڑی مشکل مرحلوں سے گزرنا پڑتا تھا. اور ایک سخت والا استاد بھی کبھی کبھی میں بنا. ہائے ہائے ہائے. کبھی کبھی میں نے ایکچولی اینی باجی سے نا باقاعدہ زناٹے دار تھپڑ کھائے ہوئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا فارسی کا پرچہ تھا آٹھویں جماعت کا فائنل پیپر, اور اس رات انہوں نے میرا پرشین کا ٹیسٹ لیا اور 0/0. مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ جو مجھ سے پڑھ رہا ہے وہ پڑھ کے کیوں نہیں دے رہا. ارے تو بس میں پھر دھواں دھار شروع ہو جاتی تھی. کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں وہ پہلا بچہ تھا جس کو آپ نے پالا؟ بالکل. اور اس کے بعد اب آپ کے ماشاءاللہ اپنے دو بچے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. کیا آج کل بہت زیادہ بات ہوتی پیرنٹ ہڈ کی کہ جی نرم رویہ, نرم رویہ, پیار سے بات کریں بچے کو. آپ کے خیال میں دونوں چیزیں لے کے چلنا چاہیے یا وہ جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے والی اپروچ؟ Now when you look back, آپ کیونکہ تدریس کے شعبے سے ہیں, اتنے بچے, اب تو آپ نے بہت سے بچے پالے. میں بالکل یہی میں کہنے والی تھی. لب لباب کیا ہے, حاصل وصول کیا ہے؟ دراصل دونوں اپروچز کا بیلنس رکھنا پڑتا ہے. دیکھیں اگر آپ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں تو وہ بھی بچہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے, بہت نرمی کرتے ہیں تو بھی بگڑ جاتا ہے. تو ایک بیلنس رکھنا, دوستی آئی تھنک ہونی چاہیے اور سختی اس حد تک ہونی چاہیے کہ وہ آپ کا احترام کرے. مثلاً توصیف حیدر نے میرا بہت احترام کیا, اب تک کرتے ہیں, اور میرے اپنے بچے بھی کرتے ہیں, اور لوگوں کے بچے جو پالے وہ بھی کرتے ہیں. میرے بڑے بھائی کے بچے ڈاکٹر حسنین کے بچے, وہ بھی میں نے پالے. میں نے تو بہت سارے بچے پالے اور وہ سب کے سب ماشاءاللہ سے احترام کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, مگر سختی بھی کی, ڈانٹا بھی جہاں ضرورت پڑی. لیکن جہاں انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت پڑی کہ سائیکولوجیکلی بچہ اس وقت اسٹریس میں ہے, ڈپریشن میں ہے, کسی پرابلم سے گزر رہا ہے, تو وہاں وہ پھر انڈرسٹینڈنگ بھی دی بچے کو اور اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوست کی طرح سے بھی بات کی. تو عموماً ویسے بچے جو ہیں وہ میرے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور اپنی دل کی بات, اپنی پریشانیاں, اپنی ذہنی الجھنیں جو ہیں وہ چاہے میرے اپنے بچے ہیں, چاہے توصیق ہیں, چاہے حسنین کے بچے ہیں, وہ سب جو ہیں وہ میرے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. آج کل کی جو ینگ ایکٹیولی ورکنگ لڑکیاں ہیں, کیریئر گرلز جن کو میں کہوں گا, ان کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ ارینج میرج کے بعد جا کے سیٹل ڈاؤن کرنا اور ذہنی ہم آہنگی بنانا اپنے زندگی کے ساتھی کے ساتھ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. آپ نے بھی اپنی کیریئر کے اندر کی پیک کے اوپر آپ کی بھی ارینجڈ میرج ہوئی, آپ کو زندگی کا ساتھی ایسا ملا کہ جس کو آپ نہیں جانتی تھی, اور اس کے بعد اس قدر کامیاب اور ایک خوبصورت ریلیشن شپ کو میں دیکھتا ہوں, اس کے بارے میں بتائیے کہ what is the trick؟ اللہ کا بڑا شکر ہے, لیکن ٹرک جو ہے جیسے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ جی قسمت بھی اچھی ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی ون وے, یہ دونوں طرف سے بات ہے.
مثلاً اب میں میڈیا پہ آتی تھی اس زمانے میں بھی بہت ایکٹیولی کام ایکٹیو تھی, اپنے پروفیشن یعنی ٹیچنگ میں بہت ایکٹیو تھی, سوشل لائف میری ہمیشہ سے بہت ایکٹیو, والنٹیرلی میں پتہ نہیں کن کن آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کرتی تھی, یو این کے ساتھ کام کر رہی تھی, یونیسیف کے ساتھ کام کر رہی تھی, صبح شام تو صبح شام. تو مجھے ایک بہت ہی وہ جو ماؤں نے کی دعا دی ہوگی بچپن میں کہ قسمت اچھی ہو, تو وہ قسمت اچھی ہوئی کہ ایک ایسا میاں ملا کہ جو ہسبینڈ ملا کہ جس نے بہت زیادہ میری ان چیزوں کا خیال رکھا اور ان چیزوں کو بہت رسپیکٹ دی, میرے ٹیلنٹ کی یا میرے اندر جو ایک بے چینی رہتی تھی کچھ کرنے کی, بیک جگہ وہ جو بیٹھنا نہ بیٹھنے والی چیز میرا خیال ہے ہماری جینز میں بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. تو ریاض نے میرے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے مجھے بہت میری اس چیز کو بہت رسپیکٹ دی, بلکہ میں تو کہوں گا سیلیبریٹ کیا, سیلیبریٹ کیا, میرا خیال رکھا بچوں کو, اگر میں بچے کو سلا کے جا رہی ہوں تو انہوں نے پاس بیٹھ کے بچے کے پوری وقت بیبی سیٹنگ کی اور مجھے ڈسٹرب نہیں ہونے دیا. اگر میں رات کو اپنے کسی پروگرام کے لیے یا کسی بھی لیکچر کے لیے تیاری کر رہی ہوں, مجھے ریڈنگ کا بہت تھا کہ کتابیں ڈھیروں پڑھ کے میں جاتی تھی ایون ٹیلی ویژن کا پروگرام کرنے, تو وہ اس بات کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے کہ بچے کو لے کے دوسرے کمرے میں چلے جائیں گے. میں نے کئی ایسے لمبے ڈیوریشن کے میراتھن ٹرانسمیشنز کیے ٹیلی ویژن پر, جیسے الیکشنز ہیں اور پی ٹی وی, وہ بہت ساری اور اس زمانے میں چیزیں کیا کرتا تھا وہ لائسنس والا پروگرام, 14 اگست جو میراتھن ٹرانسمیشنز ہوتی تھیں اسپیشلی الیکشنز, پوری رات کی ٹرانسمیشن کر کے اور آنا, تو دو تین دن ریزلٹس آ رہے ہیں الیکشنز کے اور وہ سارا, تو اس میں یہ ہے کہ وہ تو سپورٹیو ہو گئے, لیکن وہ بھائی بندہ خود بھی تو کچھ کرتا تھا نا, وہ تو اس کو وہ پھر مرد کو یہ نہیں ہوتا کہ اچھا میں بھی تو کام کرتا ہوں تو میں اب گھر جا کے بچے پالوں, ایسا کوئی سین نہیں. نہیں ایسا کوئی سین نہیں تھا, بلکہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں ایک بڑی جس کو کہنا چاہیے ڈومینیٹنگ سی خاتون ہوں. اچھا آپ ڈومینیٹنگ مان گئی, آج آپ فائنلی مان رہی ہیں؟ میں مانتی ہوں, اگر مانوں نا تو پھر ڈومینیٹنگ کیسے بنوں, میں کہتی ہوں کہ میں ڈومینیٹنگ. آپ کے خیال میں آپ کے آپ اپنے ہسبینڈ پہ ڈومینیٹ کرتی رہی زندگی بھر؟ نہیں نہیں, یہ اب آپ میرے سے اس طرح عدالت میں کھڑی ہو کے بیان دے رہے, ایسی بات نہیں ہے, میں مطلب یہ کہ نہیں, لیکن ایک ڈومینیٹنگ خاتون ہیں آپ, مطلب ڈیسیژن میکنگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مجھے عادت ہے ڈیسیژن میکنگ کرنے کی. اچھا ڈیسیژنز آپ کرتے ہیں اور ریاض بھائی ظاہر ان ڈیسیژنز پہ عمل کرتے ہیں, ظاہر مل کے کام چلتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے اساتذہ میں سے آپ کے بھی, آپ نے بہت ان کے ساتھ کام کیا, خواجہ نجم الحسن صاحب ڈیفینیٹلی پاکستان ٹیلی ویژن کے ایز ڈائریکٹرز بہت بڑا نام, وہ قرۃ العین علی رضوی کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں ہمیشہ, ان کو گلہ ہے آپ سے. اچھا وہ کہتے ہیں اینی سے مجھے بہت گلہ ہے کہ اس نے لکھنا چھوڑ دیا, کہ اینی جتنی خوبصورت کہانی اور جتنا خوبصورت ڈرامہ اینی لکھتی ہے تھی اس نے اس کو پروفیشنل کیریئر نہیں بنایا. ہاں یہ ان کا شکوہ جو ہے اب آ کے اس عمر میں آ کے مجھے اپنے آپ سے ہونے لگا ہے, اور ایسے لگتا ہے میں نے بہت سارا ٹائم جو ہے اس کو ایک طرح سے اس چیز کو نگلیکٹ کر کے بڑی زیادتی کرتی اپنے ساتھ بھی, تو بہت سارا جو وہ چیزوں کا اظہار ہے وہ انسان نہیں کر سکتا ایسے جو لکھنے میں کر سکتا ہے, بہت ساری فیلنگز ہیں آپ کی, بہت سارے آپ کے جذبات ہیں, بہت سے مشاہدات ہیں, لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ میں لکھوں. لیکن لکھا کیوں چھوڑ دیا لکھنا؟ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے, یہ تو یہ جو غم روزگار ہے اس کی وجہ سے. لیکن لکھنے کو اگر روزگار بنا لیتی, دراصل نہیں لکھنے کو کون روزگار بنا سکتا ہے بھائی, مطلب زندگی کے اسٹینڈرڈس چاہیے, لیونگ اسٹینڈرڈس چاہیے, مگر یہ میں نہیں کہتی ہوں, لوگوں نے روزگار میں بھی رہ کر بہت اپنا اچھی زندگی گزاری ہے, لیکن ایک فوکس ہوتا ہے, میرا فوکس سر میں انٹرپرینیور جو بن گئی نا, میں نے اپنا کام شروع کر دیا, انٹرپرینیورشپ میں بہت ٹائم آپ کو اپنے کام کو دینا پڑتا ہے, جو انٹرپرائز آپ بناتے ہیں پھر اس کے اندر آپ کو لگ جانا پڑتا ہے, اس کی اتنی جہتیں تھیں اور میری ساری کریٹیوٹی اس کی ڈائمینشنز میں اس میں چلی گئی. شاعری بھی آپ کرتی تھی؟ ہاں کالج کے زمانے, کالج کے زمانے. کوئی شعر اپنا سنائی. وہ بڑے بچگانہ شعر ہیں, وہ اس قابل نہیں ہیں کہ سنائے جا سکیں پبلک میں. دراصل میں جب کالج میں تھی راولپنڈی کے گورنمنٹ کالج میں, تو میں آل پاکستان بیسٹ ڈبیٹر تھی. ہاں بالکل. اور آل پاکستان ٹیلنٹ
कि कितने मेडल्स मैंने जीते, मुझे तो याद भी नहीं है अपनी। मुझे याद है हमारे घर में जब मैं बड़ा हो रहा था तो 2-3 बक्से ट्रंक टाइप जिनके अंदर एनी बाजी के जीते हुए कप्स और मेडल्स, वो अभी भी मेरे ख्याल है कहीं। मेरी वालदा जो है अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे, वो हमेशा मेरी चीज़ें वो संभालती थी। तो हमारे वो घर में जैसे काम वाली आती हैं, वो कहती हैं, वो पूछती थी कि बाजी नंद की करोगे, कहती थी कि मैं इसके जहेज में दूंगी, मेरे पास बर्तन जर्तन नहीं दूंगी इसको, यही जहेज में दूंगी इसके ये ट्रॉफियाँ। एग्जैक्टली, और वही एक्चुअली हुआ भी, फिर वो सामान आपके साथ, वो मेरे साथ आ गया। तो वो जो ज़माना था उसमें जब मैं जैसे फैसलाबाद, सरगोधा, लाहौर, पाकिस्तान के हर शहर में कॉम्पीट करने के लिए जाती थी, ठीक है, और फिर वापस, और बड़ा वो मुझे एक होता था कि जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ से मैं अपने कॉलेज की ट्रॉफी लेके आऊँगी। और मेरी प्रिंसिपल डिसिप्लिन्स में जीतना, तो उसमें शायरी भी करती, शायरी भी थी, तो शायरी मैंने उसमें वो मिसरा तरह देते थे। लाहौर में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर था, FC कॉलेज था, मुझे भी ये याद नहीं, लेकिन किसी भी एक कॉलेज में तो मैंने वहाँ पे जो गज़ल पढ़ी, और हम जाते थे ट्रेन में, तो ट्रेन में बैठे बैठे मैं रस्ते में शायरी करती थी अपने वालिद से, हमने ये चीज़ ली वर्षे में, तो बैठे बैठे मैं शायरी कर लेती थी, कई दफ़ा स्टेज पर बैठे भी कर लेती थी। और जाके तो उसमें मेरे सामने जो मेहमान खुसूसी बैठे थे वो अहमद नदीम कासमी साहब थे, अरे वाह, जो मेरे फेवरेट तरीन अफसाना निगार और शायर रहे। तो मैंने जो पहला शेर पढ़ा उसमें सुना दे। अच्छा, वजन से तो हो सकता है, वजन तो मेरा ख्याल है ठीक है। अच्छा। वजन लेकिन ख्याल इतना दुरुस्त नहीं। हाँ, ख्याल बच्चा गाना है ना, अब हंसी आती है। नहीं, हमें पता है आपने ये बचपन के जमाने में। अच्छा, हाँ, और वो जमाना था ना जब लड़कियां ख्वाब देखती हैं और बड़ा रोमांटिसाइज्ड जिंदगी होती है, वो एक शहजादे का ख्वाब, जरा शहजादे का ख्वाब सुना, प्रिंस आएगा, तो वो प्रिंस टाइप का सुना। वो था, आया नहीं है लौट कर बिछड़ा हुआ वो शख्स, आया नहीं है लौट कर बिछड़ा हुआ वो शख्स, गजरे मेरे सिंघार के कुमला के रह गए। आ हा हा, गजरे मेरे सिंघार के कुमला के रह गए। इसमें जुदाई है, उदासी है, हिजर और विसाल की कैफियत है। क्या बात, तो बहरहाल बड़ा मोहब्बती किस्म का शेर है। लेकिन जो दात थी, लड़कियों का कॉलेज था, टिपिकल गर्ल्स कॉलेज, और लड़कियों ने जो चीखें मारी और जो मुझे दाद मिली, कुछ जो है वो अपने किसी गबे मुफारकत में बेहोश भी हो गई वहाँ पे और उनको क्या क्या याद आए, बट आई वॉन द प्राइज। और नदीम कासमी साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी शायरा हैं और आप इसको जारी रखें। और आप इसमें, मैं बड़ी घर आई, आपको पता है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो उस्तादों के उस्ताद थे, और उनकी जो शायरी है वो एक बिल्कुल एक उसमें एक डिफरेंट रंग था, उसमें इस तरह का कोई रंग नहीं पाया जाता, इतना कोई चीपनेस नहीं पाई जाती थी। तो जब मैं घर आई हूँ, मैं बड़ी खुश, इतनी बड़ी ट्रॉफी, उन्होंने कहा सुनाओ तो सही कि किस पे ट्रॉफी मिली। उनको नहीं पता था कि मैं वहाँ पे गजल भी पढ़ूंगी। तो मैंने आके कहा कि जी आज तो मैं, क्योंकि नदीम कासमी साहब उनके बहुत दोस्त भी थे और उनके बड़े ताल्लुकात हल्का अरबाब ज़ौक़ की वजह से, तो उन्होंने कहा कि जी मैं आई, मैंने कहा कि जी नदीम कासमी साहब मिले, और उन्होंने तो मुझसे कहा कि तुम मेरे उसके लिए फ़नून जो रिसाला है उसके लिए लिखा करो और ये और वो। उनका अच्छा मुझे सुनाओ क्या कहने। जब मैंने सुनाया तो मुझे इतनी डांट पड़ी, उनका आइंदा शायरी नहीं करनी। अच्छा, यानी ये बताइए कि अगर आपको अपनी जिंदगी का पहिया घुमाने का मौका मिल जाए तो अपनी लाइफ के किस दौर में जाके रुक जाना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी ने बड़े अच्छे अच्छे दौर दिए हैं, बचपन, जवानी, लेकिन ऑब्वियसली मैं समझती हूँ, अभी भी मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे कहती हूँ कि जो कॉलेज लाइफ है ना, ये आपका गोल्डन टाइम ऑफ योर लाइफ है, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत वक्त और नहीं मिल सकता। तो मेरा भी दिल चाहता है कि वो वक्त इसमें कॉलेज लाइफ में जाना चाहता। हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद मिलते हैं, रहिए मेरे साथ। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे।
आज हमारे साथ सेट्स पे मौजूद हैं मोहतरमा कुरातुलैन अली रिज़वी साहिबा। कुरातुलैन, ये बताइए कि आप टेलीविज़न के और पीटीवी के उन नामों में से हैं कि जिनकी उर्दू ज़बान की अदायगी, तलफ़ुज़, लहजा इसको माना जाता है, और हमारी नस्ल ने, एंकर्स की नस्ल ने आप से बहुत कुछ सीखा। इस वक्त मेरे जितने यंगस्टर्स बैठे हैं, मैं कई बार ये समझता हूँ कि ये भी एक अजीब सी तोहमत हम आज की नौजवान नस्ल पे लगाते हैं कि वो बस गलत उर्दू बोलते हैं और उस पर फ़ख्र करते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं ये समझता हूँ हमारे बहुत से नौजवान अच्छी उर्दू बोलना चाहते हैं, अच्छा तलफ़ुज़, अच्छी अदायगी रखना चाहते हैं। कुछ हमें टिप्स दीजिए आज के दौर में जहाँ इतना मीडिया क्लटर है, हर तरह के लहजे में, हर तरह के तलफ़ुज़ में, हर तरह की उर्दू में बात हो रही है, ऑनलाइन हर तरह का आपको कॉन्टेंट अवेलेबल है, कैसे अपने तलफ़ुज़ और लहजे की दुरुस्तगी की तरफ बढ़ा जाए? दरअसल हम लोग बहुत एक तरह से खुशनसीब थे कि हमने जो सीखा बोलना, लहजा, तलफ़ुज़, ज़ुबान, वो हमने रेडियो से सीखी। ठीक। और रेडियो पे इतने बड़े नाम थे उस वक्त रेडियो एक बड़ा इम्पोर्टेंट मीडियम था, और उसमें जो आवाज़ की वजह से ही सारा वो चलता था, साउथ पे था सारा सिलसिला, आवाज़ पे था। अब वो उतार चढ़ाव आवाज़ का, लहजे का उसमें, और लफ्ज़ों का चुनाव, वो इतनी एक अहम चीज़ है जब आप रेडियो पे सिर्फ, क्योंकि आपका चेहरा नज़र नहीं आ रहा, आप एक्सप्रेशन नहीं शो कर रहे, जो कुछ है आपने अपनी आवाज़ से उसका, या अपनी अदायगी से, अदायगी। तो हमारा जो बचपन था, और हमारे क्योंकि वालिद का ताल्लुक जो है वो रेडियो पाकिस्तान से था, तो वो अब वो सारा सिलसिला हम तो घंटों बैठ के रेडियो के साथ कान लगा के, तो ऐसे ऐसे असातिज़ा को हमने सुना है, तो लहजे बन जाते हैं ना, कान जो सुनता है वही लहजा बनता है। लेकिन आजकल के जो असातिज़ा हैं, आप जैसे, उनसे हमें गिला ये है कि वो रेडियो पे अब आते ही नहीं, हाँ, ना ही टीवी पे आते हैं, वो सही ना ही, तो हम किससे सीखें? स्पेस ही नहीं रही ना, वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये है कि वो एक अलग बात है। लेकिन आज का नौजवान कहाँ से तलफ़ुज़, आजकल का नौजवान जो है वो थोड़ा सा आसानी से बचे, वो आसानी बहुत आ गई ना, बस जाएंगे ऐसे करके प्रोग्राम करेंगे, मैं जाती हूँ, मुझे एज गेस्ट बहुत सारी जगहों पे बुलाया जाता है, और मैं उनको देख के सिर्फ ये सोचती हूँ कि इन्होंने कोई तैयारी नहीं की हुई, तैयारी नहीं करके आते हैं कि मसलन मुझे, अच्छा तैयारी तो चलो कंटेंट के हवाले से होगी ना, तलफ़ुज़ ज़बान तैयारी में ये है कि जब कॉन्टेंट तैयार करेंगे, देखिए मैं जब अपना प्रोग्राम करने जाती थी तो मेरा पूरा एक स्क्रिप्ट होता था, और मैं वो स्क्रिप्ट जब तैयार करती थी तो मेरा प्रोड्यूसर मेरे स्क्रिप्ट को चेक करता था और मेरे अल्फाज को चेक करता था, मतलब मैंने खुद से नहीं सब कुछ कर लिया, मेरे असातिज़ा मेरे प्रोड्यूसर्स भी थे, खालिद महमूद जैदी का मैं नाम लेना चाहती हूँ यहाँ पर, कि वो मेरे उस्तादों में से थे जिन्होंने मुझे टेलीविज़न का ढंग सिखाया बैठना। अभी तक मैं यूँ बैठती हूँ तो मुझे जैदी साहब नज़र आते हैं तो मैं ऐसे कर रही हूँ, मतलब वो एक दिमाग में चीज़ें बस गई। कैमरे का प्रोटोकॉल, फिर वो मेरा स्क्रिप्ट चेक करते थे। आप सोचिए कि मैं सुबह जब हम DMT करते थे तो 5 बजे गाड़ी पिक करती थी, और जाके आधा पौना घंटा हम पूरी ट्रांसमिशन पे बात करते थे, और वो एक एक लाइन लाल कलम के साथ, तो मैं काम रही होती थी कि अभी गलती निकली, अभी गलती निकली, तो ये स्टेटस था। अच्छा, शाम को जब 4 बजे मैंने फिर जाना होता था स्टूडियो, और मैं जाके अगले दिन के प्रोग्राम सारे देखती थी, अपने पॉइंट्स बनाती थी। ठीक, ये वैसे बाय द वे वही शो है, हाँ, जो आप और मुस्तनसर तारर साहब किया करते थे, हाँ, अब इसका रंग और इसका अंदाज और इसका नाम बदल गया है, लेकिन ये काम हम वही कर रहे हैं। ये शो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी गनीमत है, जब मैं आपका शो देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, नॉट दैट यू आर माई ब्रदर, इस वजह से नहीं, लेकिन एक इसमें ढंग और सलीका नजर आता है। दरअसल हाँ, सेट भी बहुत अच्छा, हमारे पास तो सेट होता ही नहीं था ना। क्या मतलब? हम तो एक डब्बे से इस तरह करके एक मेज कुर्सी लगी होते उसे बीच एक फट्टा लगा होता था, इधर वो न्यूज कास्टर बैठी होती थी, वहीं से खबरें होती थी PTV की, और वहीं पे बैठ के हम सुबह शो कर देते थे। लेकिन आप देखिए कि वो ठीक है, एक फट्टा लगा होता था, कोई उसमें ये ग्लैम कलर्स, ये फर्नीचर, ये महंगा पन नहीं था, लेकिन हमारी नस्ल टेलीविजन स्क्रीन के आगे से उठ नहीं पाती थी सुबह। अभी भी मुझे मिलते हैं, बाल सफेद हैं, सर पे बाल है ही नहीं, कहते बाजी जब हम छोटे होते थे ना तो आपका प्रोग्राम नहीं, तो वो तो मुझे भी मिलते आप क्या बात करी, मुझे सफेद दाढ़ियों वाले मिलते हैं, कहते हैं बचपन में हम आपको देखते हैं, या तो मतलब मैं कहीं, मेरा वक्त रुक गया और आप आगे बढ़ गए, और या आप झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल मजाक के अलावा तो लोग पहचानते हैं,
मुझे ये अच्छा लगता है, यू नो, मैं सोचती हूँ कि यार वाकई लोग, मैं मतलब नॉर्मली आई एम नॉट वेरी डॉल्ड अप एंड कोई मेकअप वेकअप भी नहीं किया होता, आम लाइफ में आई एम वेरी सिंपल. तो जब मैं बाहर जाती हूँ बाजार में तो दुकान वाले एकदम जो बाजी ने कुर्सी दे जी बाजी थे, क्योंकि वो दुकान वाले बचपन में आपको कार्टून आपने उनको दिखाया. अच्छा एनी ये बताइए कि अगेन मैंने तो सारी जिंदगी आपको ऑब्जर्व किया है, एक अमूमन जो शौक होते हैं खवातीन के कि जेवर हो, ज्वेलरी हो, कोई मेरी अच्छा कोई घर ही बन जाए, कोई प्रॉपर्टी या मतलब कोई महंगे कपड़े या फलानी ब्रांडेड जूते, वो कुछ भी नहीं. ज्वेलरी का तो बिल्कुल आपको शौक नहीं. हाँ पता नहीं, मतलब वो मुझे वाकई आज भी मैं आई हूँ तो मैंने आके महसूस किया है कि मैंने तो कुछ पहना नहीं. आज मैं देख रहा हूँ दो अंगूठियाँ पहनी हुई है. हाँ. बड़ी गनीमत है ये. तो सो व्हाट वर योर इंटरेस्ट्स? आई लाइक ज्वेलरी, मुझे बड़ा शौक है, मुझे खूबसूरत लगते हैं, लोग पहने होते हैं तो अच्छे लगते हैं. मुझे ऐसे बस पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे मैं पहन के तो मुझे उलझन शुरू हो जाती है, चुभने लगती है चीज़ें, मैं उतार देती हूँ. लेकिन ये कि मुझे वैसे ज्वेलरी का बहुत मतलब खूबसूरत लगती है, मुझे अच्छी ज्वेलरी पसंद है, लेकिन कभी कभार पहननी ऐसे रूटीन के अंदर जिस तरह होता है ध्यान ही नहीं गया कभी ऐसे. आपने अभी हम यही बात कर रहे थे कि आपने बहुत से बच्चे पाले, जनरेशंस एंड जनरेशंस, क्योंकि आपका ताल्लुक तदरीस से रहा. और बच्चे जब आते हैं क्लास में, दाखिल होता है बच्चा, तो उसको कैसे लेकर चलना है, उसको पहला सबक क्या देना है, इस चीज की आप माहिर. मुझे ये बताइए, पाकिस्तान एक 5 साल का बच्चा है, स्कूल आ गया है, पाकिस्तान को पहला सबक क्या देंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है. पाकिस्तान एक बच्चा है और स्कूल आ गया है. मेरा ख्याल है पाकिस्तान को जिस पहले सबक की ज़रूरत है वो उसकी अपने आप से मोहब्बत है, हुब्बुल-वतनी, नेशनलिज्म. हम में तो बहुत है. नहीं नहीं हम तो 14 अगस्त पे ऐसे झंडे निकाल, झंडे निकालना बहुत अच्छी बात है, वो इजहार है, एक रिफ्लेक्ट करती हैं चीज़ें, वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा होना चाहिए. लेकिन ये है कि हुब्बुल-वतनी, अपने मुल्क से इतना प्यार कि आप उसके लिए अपनी ज़ात की नफ़ी करें, मतलब मुल्क जो है वो आप, वतन आपका सबसे पहले हो और बाकी आपकी ज़ात, आपकी अपने कारोबार, आपके. हमारे यहाँ जो तकलीफ़ चीज़ मुझे हमेशा देती रही, अब भी देती है, वो ये है कि मेरा काम ठीक हो जाए कोई बात नहीं है, पाकिस्तान की खैर है, पाकिस्तान में तो सब चलता है. हाँ ये अमूमन हम बहुत, हाँ, पाकिस्तान में तो सब ठीक है, पाकिस्तान में सब चलता है. इस एटीट्यूड ने हमारे मुल्क को कितना बदनाम किया दुनिया भर में और हमें कितना ज़्यादा, इतने साल हो चुके लेकिन अभी भी हम ये फैसला नहीं कर पाते कि हमने करना क्या है, हमारा आईन क्या है, हमारी सो मेनी थिंग्स. मतलब मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ की बात है. मुझे अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है. मेरे पास चांस था कि मैं कनाडा चली जाती, मैं पाकिस्तान छोड़ देती, मेरी शादी कैनेडियन नेशनल से हुई थी, वो सेटल देयर, उनका कारोबार था और आप अगले दिन जहाज पे बैठती और चली जाती. हाँ लेकिन मैंने मेरे दिल जो था यहाँ पे, वहाँ पे एक आवाज़ थी कि नहीं मुझे पाकिस्तान में रहना है. और उसमें मेरे पास तो यहाँ ये नहीं था कि वही बात आप वाली है कि मेरे पास कोई ज़मीन जायदाद थी, कोई मकान थे, कोई एसेट्स थे जिनकी वजह से मैं नहीं जा रही थी. मैं तो उस वक्त अपनी अमली ज़िंदगी की एक तरह से अपने जो अपना स्कूल जो मेरा ज़ाती इदारा है उसकी भी मैं इब्तदा कर रही थी देखा जाए तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर. और मैं चाहती तो मैं वहाँ चली जाती और एक मे बी एक ज़्यादा मे बी, मैं ये तो नहीं कहती कि वहाँ मुशक्क़त नहीं है, मुशक्क़त तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि एक अच्छी ज़िंदगी ज़्यादा गुजार रही होती, बट आई एम सो सेटिस्फाइड. ओके मुझे बताइए कि आपने कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से अपनी डिग्री की, उस वक्त जो जामियात का माहौल था, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल और आज की यूनिवर्सिटीज़ का माहौल, ऑब्वियसली सोशल मीडिया ने बहुत सी चीज़ों को बदल दिया, बट जनरली आप कैसे देखती हैं? डू यू फील नॉस्टैल्जिक के अरे हमारा वक्त तो भाई कायद आज़म यूनिवर्सिटी पे मजीद के खोखे पे बैठ के हम लाल लोबिया खाया करते थे? डू यू गो थ्रू सच थिंग्स? या ऑफ कोर्स मुझे नॉस्टैल्जिया, देखें अपना वक्त तो हर किसी को बहुत अच्छा लगता है, ये एक नेचुरल सी बात है, इसमें कोई बुरा मनाने की बात नहीं है कि अपना वक्त बहुत अच्छा लगता है.
اور قائد اعظم یونیورسٹی میں جو میرا ٹائم گزرا وہ بھی میری زندگی کے بڑے یادگار. ایک تو یہ کہ پرسنالٹی بن رہی تھی, ایک اکمپلشمنٹ ہو رہی تھی, بہت اچھے ٹیچرز ملے. ابھی تو بس یہ ہے کہ مجھے فیکلٹیز وغیرہ جو ہیں وہ اس میں بہت اچھا وقت تھا, اور قائد اعظم یونیورسٹی کا بھی وہ پیک کا زمانہ تھا. تو مجھے یاد ہے میں تو بہت چھوٹا تھا جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی اور آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں تھیں, تو آپ لوگوں نے آپ پارا میں جا کے جو احتجاج کیا تھا اور دیوار سے پتہ نہیں کچھ کچھ اسٹوڈنٹس گرفتار ہوئے تھے, اور وہ جو پلیک ہے یو ور ون آف دیم, جو پلیک ہے وہ ذرا ایکسپیرینس ہمیں کوئکلی بتا. آپ نے تو بڑی ایک امپورٹنٹ بات میری زندگی کا ایک وہ وقت, میں بڑی زبردست پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھی نا بہت زیادہ. ایک تو ڈپارٹمنٹ آئی آر ڈپارٹمنٹ سے تعلق تھا, اور میرے سیاسی نظریات جو ہیں وہ بھی بڑے پروگریسو قسم کے, میں بھی پروگریسو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی ممبر بھی تھی اور ایکٹیوسٹ تھی. تو جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو بلکہ دے دی گئی, جس دن دے دی گئی پھانسی, تو اس وقت وہ ہمارے لیے بہت ہی ایک اداس دن تھا. تو قائد اعظم یونیورسٹی کی جو اوپننگ کی تھی نا, جو باہر تختی ہے, وہ بھٹو صاحب نے کی تھی, اور وہ وہاں پہ لگی ہوئی تھی, اور بڑی وہ سجا وجا کے جیسے ہوتا ہے. تو ہم نے وہاں جا کے پروٹیسٹ کیا تھا اس جگہ پہ, وہ جو انٹرنس ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا ایسے ایک گیٹ سا, اس کے اوپر ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا, اور وہاں ہم نے بڑی جذباتی ہو کر ٹکرے پھوڑے تھے مجھے, ہاں سر پھوڑے تھے, اور اس کے بعد وہاں سے لوگ اریسٹ ہوئے تھے. پھر وہ بس وہ ایک ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا. آپ کے ساتھ تو باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگتا, بہت لطف آیا, بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا مجھے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. زندگی نے اجازت دی تو پھر کبھی اسی طرح گفتگو کے سلسلے کو بڑھائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قرۃ العین علی رضوی کے ساتھ یہ خصوصی نشست ایکسپیرینس کی, انجوائے کی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, زندگی نے دی اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.